हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो मैथ का मॉडल सेट का सलूशन का अगला पार्ट है, जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं मैथ का ऐसे इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैथ एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो के सलूशन तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल में बोला गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज की रचना की जाती है, इसे ही चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो इसके जो चारों कोण होते हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है, तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं कैसे दसवीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है जिसका नाम है मैथ एंड मैजिक टिप्स। तो आप चाहे तो प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स, और वहाँ पर जो एप्लीकेशन आएगा उसे इंस्टॉल करके मैट्रिक एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन क्विज खेल सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और आप अपने तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 180 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है 540 डिग्री, और ऑप्शन सी में दिया गया 360 डिग्री, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन दो में कि कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है। याद रखिएगा कि टैन में 30 डिग्री, याद रहे टैन में 30 डिग्री और कोट में 60 डिग्री का मान बराबर होता है, यानी 1/√3 होता है। आपसे पूछा जाएगा कि टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सर 1/√3 होता है। उसी प्रकार से कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1/√3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन तीन को देख लीजिए। क्वेश्चन तीन में बोला गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। मेडिक एग्जाम में प्रायिकता से रिलेटेड दो क्वेश्चन 100% है कि आएंगे ही आएंगे, तो जान लीजिए कि वह दो प्रश्न कैसे आएंगे। पहला सवाल तो बोला जाएगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है या संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो याद रखिएगा, कोई भी प्रायिकता का मान एक से बढ़कर नहीं हो सकती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान भी एक होता है, संभव घटना की प्रायिकता का मान भी एक होता है। उसके बाद में पूछा जाता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होता है। उसके बाद में अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो वो भी 0 होता है। उसके बाद में अगला सवाल त्रिकोणमिति का फार्मूला से पूछा गया है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। यानी बोला गया है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन में दिया है कॉस ए, टेन ए, सेक ए, और डी में दिया गया है कॉसेक ए। एक चीज़ याद रखिएगा कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर होते हैं कॉस ए, और उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस इंटू 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएंगे, तो साइन ए हो जाएंगे। तो सवाल में यही बोला गया था कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच को। क्वेश्चन नंबर पाँच में बोला गया है कि प्रथम पाँच समप्रकी संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले पाँच समप्रकी संख्याओं को लिख लेना होगा, और उसके बाद में सिग्मा एक्स बटा एन के द्वारा फॉर्मूला पे इसे हल करना होगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि समप्रकी संख्या कहते किसे हैं। है दोस्तों, आसान भाषा में जान लीजिए कि वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाती है, यानी वैसी संख्या जिसमें दो से भाग लग जाती है और पूरी तरीके से कट जाती है, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो दो से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, अर्थात दो से भाग नहीं लगती है, वैसे सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे विषम संख्या तो पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है कि प्रथम पाँच समप्रकी संख्या का माध्य क्या होगा। तो फॉर्मूला आप सभी को मालूम हो गया, सिग्मा एक्स बटा एन होता है, जिसको आसान भाषा में जान लीजिए कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो सबसे पहले हम पाँच समप्रकी संख्या लिखेंगे, तो सम संख्या पहले क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे, फिर चार हो जाएगा, छः हो जाएगा, आठ हो जाएगा और 10 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम लोग पाँच सम संख्या लिख लिए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, बट्टा में हम लोग कितना लिखने वाले हैं, तो ये पाँच है तो पाँच लिखने वाले हैं और सभी को जोड़ दे देंगे। यहाँ पे सभी में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि सभी को ऐड कीजिएगा, तो दस और आठ अठारह होता है। उसके बाद में अठारह और दो बीस हो जाएगा, छः चार दस बीस और दस तीस हो जाएगा। तो यहाँ पे आसान तरीके से तीस लिख दीजिए और तीस में पाँच से भाग लगा दीजिएगा तो छः पच्चे तीस हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम पाँच सम प्रकृत संख्याओं का मात का आंसर कितना आ गया है, तो छः आ गया है। तो यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन छः में कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात एक अनुपात तीन है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे भी सवाल मेट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में 100% एक मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन जरूर रहेगा और पूछ दिया जाएगा कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। कई बार मेट्रिक एग्जाम में त्रिज्या की जगह पे क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब बताइए कि इसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो जब भी त्रिज्या का अनुपात दे दिया जाए और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाए, तो जो चीज़ दिया गया उसमें आपको केवल स्क्वायर कर देना होगा। इस प्रकार से तो एक का स्क्वायर एक होता है, अनुपात तीन का स्क्वायर नौ होता है। तो जब भी त्रिज्या का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए का अनुपात नौ ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल आइए दिखा देते हैं क्वेश्चन सात को। क्वेश्चन सात ही मेट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। सवाल ध्यान से समझिएगा, बोला गया कि एक सूर्य की उन्नति कोण 60 डिग्री है, 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली उदग्र स्तंभ की मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लेते कि यहाँ पे एक सूर्य होगा और इसका जो कोण बना रहा है, देखिए इसका मान लेते कि ये मीनार है, इसका छाया जो है वो कितना मीटर है, ये 30 मीटर है और इसके साथ जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको ये मीनार ज्ञात करना है, इसका नाम आप रख सकते हैं ए बी और सी रख सकते हैं। तो ये पी हमको निकालना है, बी दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी बटा बी टेन में होता है, तो टेन 60 डिग्री से निकालेंगे। हम लोग आसानी तरीके से लिखेंगे कि टेन 60 डिग्री बराबर फार्मूला दोस्तों होता है पी बटा बी होता है। टेन 60 का मान तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रूट अंडर तीन होता है और पी का मान नहीं दिया गया, चूँकि मीनार का ऊँचाई हम लोग पी माने हैं। एच का सॉरी बी का मान देखिएगा तो बी का मान यहाँ पे कितना है, 30 है, तो आप यहाँ पे 30 लिख दीजिएगा और रूट अंडर तीन के नीचे एक लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। उसके बाद में पी में अगर आप एक से गुना कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि पी होगा। उसके बाद में 30 में अगर रूट अंडर तीन से गुना करते हैं तो कितना होगा, तो 30 रूट अंडर तीन होगा। तो इस प्रकार से जो मीनार की ऊंचाई आएगा ना, वो 30 रूट अंडर तीन मीटर होने वाला है। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी में 30 रूट अंडर तीन मीटर दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है वो क्षेत्रमिति से लिया गया है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेमी क्यू है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे आयतन दिया गया है, तो सबसे पहले उसमें आर का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद में वक्र पृष्ठ वाले फॉर्मूला पे आप इसे बैठा के आसानी तरीके से बना सकते हैं और इसके लिए आपको चार ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, आप बना लीजिएगा। चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन यानी 2772 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नौ तो काफ़ी सिंपल है। बोला गया है बिंदु पी से किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेमी है और केंद्र से पी के दूरी जो है वो 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए आसानी तरीके से हल करते हैं, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है और कोई बाहरी बिंदु पी से इस पर जो स्पर्शरेखा खींच रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेमी है और केंद्र से जो बिंदु पी की जो दूरी है वो 25 सेमी है, तो यहाँ पे जो ये जो रेखा मिलेगा त्रिज्या मिलेगा ना, इसी की त्रिज्या की हमें लंबाई ज्ञात करनी है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो क्या कीजिएगा, इसका मान लेते हैं नाम ओ रख देते हैं, इसका पी ए रख देते हैं, तो हमको ज्ञात करना है ओ ए। तो आसान सा फार्मूला अपनाइएगा, लिख दीजिएगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। उसके बाद में क्या करना होगा कि 625 में से 576 को माइनस करना होगा, तो है दोस्तों 625 में से 576 को माइनस कीजिएगा ना, तो ये 49 बचेगा। और जैसा कि आप सभी को बता दें कि 49 का वर्गमूल 7 होता है, यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब 7 होगा।
अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 7 सेमी होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि -3, -3 किस पद में होगा। आसान भाषा में जान लीजिए, इस प्रकार से कार्तीय तल होता है जिसमें दोनों प्लस वाले होते हैं, तो कोई भी बिंदु अगर दोनों प्लस में दिया गया हो तो समझ लीजिए कि ये प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में होगा। दोनों बिंदु अगर माइनस में दिया गया हो तो समझ लीजिए कि ये तृतीय पाद अर्थात तृतीय चतुर्थांश में होगा। कोई भी बिंदु पहले माइनस बाद में प्लस दिया गया हो तो समझ लीजिए कि द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। कोई भी बिंदु में पहले प्लस है बाद में माइनस है तो समझ लीजिए कि ये चतुर्थ पाद अर्थात चतुर्थीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो -3, -3 देने के कारण देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ है, पर दोनों में माइनस किस में होता है, तो तृतीय पाद में होता है ना, तो यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तृतीय पाद। उसके बाद में अगला सवाल है कि ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मूल समान होने के लिए d का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, तब क्या होगा कि बहुपद का जो भी मूल दिया गया होगा ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। उसके बाद में अगला सवाल है कि cosec·(−a) क्या होगा। तो दोस्तों cosec·(−θ) क्या होता है, तो वो sec θ होता है, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब sec θ हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल अगर आप देखेंगे क्वेश्चन 13 को, तो बोला गया है कि 7, 8, 9, 9, 3, 5, 4 का बहुलक क्या होगा। जैसा कि हम आप सभी को हमेशा बताते हैं, कोई भी ऐसा संख्या है जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई हो वही संख्या बहुलक कहलाती है। तो अगर आप इस आंकड़े में ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 9 एक ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आने के कारण आंकड़े का बहुलक हो जाएगा, तो यही कारण है कि क्वेश्चन 13 का सही जवाब हमारा 9 होगा। उसके बाद ये बोला गया है कि 17/25 का दशमलव प्रसार क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए अंश और हर होता है, देखिए इसमें अंश होता है और होता है हर, तो अंश को हम लोग सेम टू सेम छोड़ देते हैं, यानी 17 को सेम टू सेम छोड़ देंगे और 25 का गुणनखंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, 5 × 5 करेंगे, 5 × 25 होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या को दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके गुणनखंड में 2⁻⁵ × 5⁻⁶ होना आवश्यक है, यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। और मान लेते हैं कि 2, 5 में दोनों में से कोई एक भी संख्या आ गया तो भी शांत होगा, और दोनों में से कोई संख्या आ भी गया और उसके साथ अन्य कोई संख्या आ गया तो वैसे स्थिति में दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो है दोस्तों अगला सवाल है कि 2 संख्याओं का मसा 25 है और लसा 50 है, तो इसका संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी संख्याओं का मसा और लसा दे देगा तो जाहिर सी बात है आपसे गुणनफल पूछा जाएगा, तो गुणनफल के मतलब दोनों में गुना कर लीजिए। कैसे गुना कीजिएगा, तो 25 में 5 से गुना करके देख लीजिए तो 125 हो जाएगा, 10 आपने छोड़ा था तो 10 ले आकर बैठा दीजिए, तो आसान तरीके से 25 में 50 से गुना हो जाएगा और इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1250 आ जाएगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी में 1250 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। पहला उसमें दिया गया है √3/21, ये तो अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या कौन से कंडीशन में, कौन सी स्थिति में परिमेय संख्या होती है, कौन सी स्थिति में अपरिमेय संख्या होती है। तो कोई भी ऐसा संख्या है जो रूट में हो और उसका वर्गमूल नहीं होता हो, ठीक है, अगर उससे वर्गमूल निकालते हो तो दशमलव में बहुत सारी लंबी चौड़ी संख्याएँ आ जाती है, वैसे सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं जहाँ q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं हो और कोई ऐसी संख्या जो रूट में हो उसका वर्गमूल भी होता हो, वैसे सभी स्थिति में परिमेय संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन को देखिएगा तो इसका वर्गमूल नहीं होने के कारण अपरिमेय संख्या है। 16 को देख लीजिए तो 16 का तो वर्गमूल 4 होता है लेकिन 32 का नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या है। 81 का होता है बट 91 का नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 × 49 = 7 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा √49/64।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है, बीसी बराबर 13 सेमी है, एबी बराबर 12 सेमी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य होगा। ऐसा कीजिए, सबसे पहले आपको फिगर इस प्रकार से बना लेना होगा। जो चीज़ समकोण है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, समकोण कोण ए है। तो ऐसा कीजिए, जब हम लोग इसे ए माने तो इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे बीसी का जो मान है ये वाला, ये 13 सेमी है, एबी का मान कितना है तो 12 सेमी है। तो यहाँ पे एसी का मान नहीं दिया गया है, तो हम लोग एसी कैसे ज्ञात करेंगे। एसी अर्थात बी का मान ज्ञात करने के लिए आसान सा त्रिकोणमिति में फॉर्मूला बताया जाता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो जैसा कि मालूम होगा 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 × 169, 12 का स्क्वायर 12 में 12 से करने पे 144 प्राप्त होता है। 169 में से 144 को माइनस कीजिएगा तो ये 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है। तो यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 5 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि समांतर श्रेणी 11-11, -8, -5 डॉट डॉट का धनात्मक पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ पे प्रथम धनात्मक पद पूछा गया है कि आखिर ये जितने भी पद दिया गया है प्रथम धनात्मक पद इनमें से कौन सा होगा। तो हे दोस्तों, इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब एक होगा, यानी धनात्मक के मतलब होता है प्लस वाला। इसमें देखेंगे ना तो प्लस वाला कोई अन्य संख्या नहीं देने के कारण इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब प्लस 1 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, किसी बिंदु पी में दिया गया x, y का मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, काफ़ी सिंपल सवाल है, आसान भाषा में जान लीजिएगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए आसान सा फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑप्शन सी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी माध्यिका को निम्नलिखित में से किस अनुपात में विभाजित की जाती है। आसान भाषा में याद रखिएगा कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र और उसकी माध्यिका को कौन से अनुपात में विभाजित करेंगे, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ख होगा, अर्थात ऑप्शन बी होगा, उसे हम लोग 2:1 में विभाजित करते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि कौशिक साडी का मान क्या होता है। आसान भाषा में जानेंगे आपकी कौशिक साडी का मान कितना होता है। तो दोस्तों, सेक में 30 डिग्री, याद रखिएगा सेक में 30 डिग्री, और कौशिक में साडी का मान 2/√3 होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान इनमें से क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र इनमें से क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो π r² होता है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब π r² होगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि 23/2 × 5² का दशमलव प्रसार क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम आप सभी को बता दिए हैं कि जो किसी भी हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता हो तो समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब शांत होगा। अगला सवाल है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला c/a होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब c/a होगा। और यहीं पे गुणनफल के जगह पे योगफल पूछ लिया जाता तो वैसे स्थिति में -b/a होता। उसके बाद में अगला सवाल है त्रिभुज ABC का ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B = 90 डिग्री, कोण C = 30 डिग्री, तो कोण ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है ना, ये काफ़ी सिंपल है, कैसे बनाइएगा आप सभी को बताया जाता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिलाकर 180 होता है। तो जब 2 कोण दिया गया, कोण बी और कोण सी दिया गया 90 और 30, तो 9 और 3 = 12 यानी 120 होता है, ठीक है। अब इसमें आपको ये दिमाग लगाना होगा कि कितने डिग्री ऐड करेंगे कि इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, इसमें 60 डिग्री ऐड कीजिए तो 180 हो जाएगा, यानी कोण ए का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ,
उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट पर जाके सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्विज खेल सकते हैं, वहाँ पर जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और वो आप अपने तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। तो है दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी, जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।